नमस्कार ऑल ऑफ यू, टारगेट विद एमआर गोर्शिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आरएएस मेन एग्जाम 2021 पेपर सेकंड की बात करते हैं। सबसे पहले प्रश्न है सेक्शन ए यूनिट ए 65 नंबर का है, जिसमें सबसे पहले प्रशासनिक कर्तव्य के निर्वहन में स्थित प्रज्ञ की संकल्पना की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। दूसरा है बुद्ध की कौन सी शिक्षा आज सर्वाधिक प्रासंगिक है और क्यों। तीसरा है नैतिक द्वंद से आप क्या समझते हैं। चौथा है प्रशासनिक जीवन में ऋण की नैतिक आदर्श की प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए। पांचवा है भगवत गीता का अनासक्ति सिद्धांत किस रूप में एक प्रशासक के जीवन में सार्थक है। अब पाँच नंबर के पाँच हैं, मनुष्य की नैतिक उन्नति समाज की सर्वांगीण उन्नति पर निर्भर करती है, विवेचना कीजिए। परिवार मनुष्य के नैतिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण संस्था, इस कथन की समीक्षा कीजिए। कांट किस प्रकार सापेक्ष व निरपेक्ष आदेश के आधार पर अंतिम शुभ की व्याख्या करता है। आमतौर पर एक स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम बुनियादी जरूरतें क्या मानी गई हैं। इन न्यूनतम को सुनिश्चित करने में प्रशासक की क्या जिम्मेदारी। लोक सेवा की उत्कृष्टता के लिए आवश्यक प्रमुख नैतिक मूल्य कौन से हैं। अब 10 नंबर का तीन प्रश्न आपके हैं, अनिवार्यता संबंधित होने के कारण साधनों को साध्य से पृथक नहीं किया जा सकता, अतः वास्तविक और स्थायी सफलता के लिए दोनों का शुभ होना आवश्यक है। गांधी नीति शास्त्र के संदर्भ में उक्त टिप्पणी को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है नैतिक निर्णय लेने में महत्वपूर्ण कारकों को समझाइए। यदि नैतिक निर्णय प्रशासनिक निर्णय के विरुद्ध हो तो आप दोनों में से किस प्रकार समन्वय करेंगे, स उदाहरण समझाइए। अगला प्रश्न है एक दूसरे की सफलता बेहतर प्रशासन के लिए सीख देती है, इस कथन का विश्लेषण उदाहरण द्वारा कीजिए। अब आगे जो आपके 70 मार्क का है, जो आपके साइंस से रिलेटेड है, नाभिकीय विखंडन और संलयन को विभेदित कीजिए। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कैल्शियम कार्बाइड की भूमिका स्पष्ट कीजिए। OTT प्लेटफॉर्म क्या है। IFID प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है। इस तकनीकी के दो उपयोग लिखिए। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान और भू स्तर उपग्रह प्रक्षेपण यान में अंतर बताइए। अब पाँच नंबर के दो, औषधीय पौधे गिलोय के कोई पांच लाभ बताइए। क्रिप्टोकरेंसी क्या है, इसके फायदे और नुकसान क्या है, ये आपको बताना है। आगे देखते हैं, इसके बाद में जो क्रिप्टोकरेंसी के बाद में आ गया, इसके बाद में प्रश्न है पिछली पीढ़ियों के मोबाइल नेटवर्क और 5G नेटवर्क में क्या अंतर है। मिसाइल और सामरिक प्रणाली का उद्देश्य क्या है। MSS क्लस्टर में शामिल प्रयोगशालाओं के नाम लिखिए। उसके बाद में आपके ये 40 मार्क्स के अगला जो पार्ट्स आएगा उसके अंदर है, पहला प्रश्न 10 अंक का है, कार्बन का कौन सा गुण बड़ी संख्या में यौगिकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। कार्बन यौगिक को घरेलू और औद्योगिक अनुप्रयोग बताइए। प्रत्येक एक को उदाहरण कृत्रिम मधुरक, खाद्य संरक्षक, जिंक के अश्क। अगला प्रश्न है मानव आँख की कार्य प्रणाली का वर्णन करें और दृष्टि के किसी एक अपवर्तक दोष और उसके सुधारात्मक उपाय की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है रियल टाइम PCR की अवधारणा व्याख्या कीजिए। COVID-19 के लिए RT-PCR टेस्ट में CT वैल्यू क्या है। अगला जो प्रश्न है वह है निम्नलिखित भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान आपको लिखना है। पांच वैज्ञानिक है, होमी जहांगीर बाबा, सर मोक्ष मुडम विश्वसरैया, सत्येंद्र नाथ बोस, मेघनाथ शाह और हर गोविंद खुराना। अगला प्रश्न है भूगोल से रिलेटेड 65 अंक का जो है, उसमें पहला है मेसोजोइक युग की समय सीमा आपको बतानी है। सियाल की संरचना के बारे में बताना है। शिवालिक हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियों के नाम बताने हैं। राजस्थान के जस्ता उत्पादक क्षेत्र का नाम। इसके बाद में पाँच नंबर की पाँच है ज्वालामुखी परी प्रशांत मेखला का वर्णन करना है। रॉकी पर्वत श्रेणी की भौगोलिक विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन है। भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन करना है।
राजस्थान के हाड़ौती पठार की भौतिक विशेषताओं की विवेचना, राजस्थान प्रमुख धात्विक खनिजों के वितरण की संक्षिप्त विवेचना करनी। अब 10-10 के तीन है, दक्षिण पूर्वी एशिया की भू राजनीतिक समस्याओं की विवेचना, राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास का विवरण, भू धरोहर स्थल की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए और राजस्थान में इसकी संभावना पर प्रकाश डालिए। थैंक यू, धन्यवाद।